It's a fantastic result in acupuncture. और उसकी जो ज्ञान है वो सही होनी चाहिए, करने वाला समझदार अनुभवी हो, तो लिगामेंट टेयर हो, फ्रैक्चर हो, इंसोम्निया हो, माइंड रिलेटेड डिजीज हो, हार्मोनल डिजीज हो, कुछ भी तकलीफ है, व्हाट डज इट डू? वो जो इलेक्ट्रिक करंट बहना चाहिए था वो नहीं बह रहा, उसने उसको ठीक किया। तो किसी किसी चीज में एक सिटिंग, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में सात सिटिंग डन। अब इसी में सहायता आपकी आयुर्वेद करता है। देखिए ये सब चीजें ना ये शरीर के लिए है, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर से ही साधना होगी। अब मन बड़ा भाग रहा है, मन बड़ा भाग रहा है आपका, मन बड़ा भाग रहा है, टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, टिकता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्या करो। शिरोधारा कराइए, अभ्यंग और शिरोधारा। आपका अगर कफ अवरोध है तो तिल के तेल से, आपके शरीर में गर्मी अधिक है, पित्त की अधिकता है तो नारियल के तेल से, और औषधियों वाला भी बन जाता है, कमजोरी है शरीर में तो क्षीर वाला डाल देंगे, तो और बहुत गर्मी है, खुजली फुंसी फोड़े हैं तो चंदन आदि तेल लगा देंगे, उससे हुआ अभ्यंग। दो व्यक्ति करते, अब दो क्यों, एक क्यों नहीं, चार क्यों नहीं? साइंस, वी हैव टू हेमिस्फीयर, राइट हाथ पांव टांग फंक्शंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट कंट्रोल्स लेफ्ट। आधे भाग में पूरे शरीर को कर दीजिए। अब दो व्यक्ति पैर की कर रहे हैं और सिमिलर स्ट्रोक्स होते हैं, अप एंड डाउन सिमिलर स्ट्रोक्स, लेग को कर रहे हैं, शिन मसल्स ले रहे हैं, एक से हाथ चलेंगे, एक सा प्रेशर होगा, एक सा प्रभाव कहां, मस्तिष्क पर। तो यूं लगेगा जैसे एक आदमी के चार हाथ हैं, क्योंकि एक सी चलती है मूवमेंट। अब चली 35 से 40 मिनट तक चली, 10 मिनट का विश्राम, फिर आई शिरोधारा। अब धारा आ रही है सिर पर। अब धारा कई प्रकार की, लस्सी से, दूध से, तेल से, तेल में भी अलग अलग होता है। अब धारा चल रही है, हमने तो साथ में संगीत को भी इन्वॉल्व किया है, कुछ अब बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक के ट्रैक में गति, वो जरूर लगाओ, वो चलते रहने चाहिए। अब बंदा मजे से पड़ा है ना, राजा साहब हो जाता है, ये रानी साहिबा, दो दासियां कर रही हैं सेवा, तीजी जो है वो शिरोधारा करेगी। आप पड़े हो, इतना सुख मिलता है, म्यूजिक सुन रहे हो, कमरे में अंधेरा है, सुंदर अगरबत्ती या कुछ खुशबू भी आ रही है, अब आप पड़े हैं और शिरोधारा चल रही है, शिरोधारा चल रही, 20 मिनट चली, फिर वो तो करने वाले देखिए इतना चुपचाप करेंगे, शोर नहीं करेंगे, कोई लाउड नॉइस नहीं होगा, कोई क्रिकी श्रिकी नॉइस नहीं होगा, वेरी क्वाइट। पूरा हुआ, उन्होंने आपके चद्दर डाल रखी है, अब आप पड़े हैं, विश्राम करेंगे 10-1 मिनट, और फिर आप गर्म पानी से स्नान करते हैं। हमने ये देखा है, 10 मिनट मुझे कहना पड़ा, क्योंकि खबर ये मिली लोग खराटे मार ले, उठते ही नहीं हैं। मैं कहा उनको हिलाया करो, 10 मिनट पहले नहीं, 10 मिनट बाद उनको हिलाइए, उनको कहिए अब आप स्नान करिए, अपने कमरे में जाइए और जाके वहाँ विश्राम करिए। सिवियर इंसोम्निया के केसेस को मैंने ठीक होते हुए देखा, जो इंजेक्शन लेके सोते थे ना, उन लोगों की भी नींद इससे ठीक हो गई। अब आपका शरीर स्वस्थ है, आपका मन शांत है, मस्तिष्क आपका बैलेंस्ड है। अब जब आप करेंगे अभ्यास मंत्र का, मन लगेगा। अब आप करना चाह रहे हैं धारणा, मन लगेगी, एकदम मन लग जाएगा उसमें। सो मंत्र वर्क्स इंटरनली, इट इंप्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन। अच्छा, जब आप जैसे कीर्तन में हम मेलोडी, मेलोडी आ गई ना, धुन आ गई, उसका एक बोल आ गया, उसकी एक तर्ज आ गई, और जहां मेलोडी आती ना, मेलोडी इट वर्क्स ऑन योर राइट हेमिस्फीयर, और जितने पॉजिटिव इमोशंस हैं वो लेफ्ट साइड में, नेगेटिव इमोशन राइट साइड। अगर यहाँ इम्बैलेंस हुआ तो आप ना चाह के भी नेगेटिव इमोशंस, क्योंकि राइट इज फंक्शनिंग मोर, तो इसको बैलेंस करना होगा।
अब इसमें त्राटक बहुत अच्छा काम करती है। ये सब चीजें मैंने पहले सिखा रखी हैं, तुम करते नहीं हो। त्राटक करिए, त्राटक में मंत्र करिए। कल कोई पूछ रहे थे कि जब हम सुबह प्राणायाम करें तो क्या उसी समय मंत्र भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं स गर्भ प्राणायाम, इम्प्रेग्नेटेड ब्रेथ विद व्हाट? विद मंत्र। श्वास अंदर गया, पूरक किया, मंत्र के साथ करिए। श्वास बाहर छोड़ा, रेचन, मंत्र के साथ किया। तो प्राणायाम और मंत्र दोनों एक साथ, तो उसका एक अपना ही अलग आनंद है, उसका एक अपना ही अलग मजा है। किसी ने पूछा कल आपने स्वर की बात करी थी कि चंद्र स्वर सूर्य स्वर वो समझ नहीं लगी। वो इसलिए क्योंकि आपने हमारा वो शायद या तो पहली बार आए हैं और या ठीक से श्रवण नहीं किया है, या अभी तक ये विषय कभी आपके कानों पर पहुंचा नहीं है, क्योंकि कई कारण हो सकते हैं। खैर, तो हमारी पुस्तक है राजीव, राजीव का प्रश्न जी, तो राजीव हमारी पुस्तक है योग से आरोग्य, उसमें स्वर ज्ञान का एक चैप्टर है, उसे आप पढ़िए तो चंद्र सूर्य और सम स्वर क्या होता है उससे आपको पता चल जाएगा। आस्था भरद्वाज, अच्छा आप हो ठीक। देखिए बेटा, मैंने आपका सारा पत्र पढ़ा एंड आई गॉट व्हाट योर प्रॉब्लम इज। ये जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, ये जो आपने लिखा यू आर एन एपिलेप्टिक पेशेंट फ्रॉम लास्ट 10 years विद गॉड्स ग्रेस एंड बाय डूइंग योग, योग निद्रा एंड मेडिकेशन इट हैज क्योर्ड मी टू मच एक्सटेंट। एपिलेप्टिक है और ये तीन का अभ्यास करने से देखिए लाभ आया है। नाउ फॉर फ्यू सेकेंड्स आई डू हैव सम सीजर्स एंड देन इट कैन बी इन अ मूविंग सेंसेशन इन हैंड एंड फेस, शिवरिंग इन आर्म। व्हाट्स योर एज बेटा? 25। व्हाट डू यू डू? कंप्यूटर्स। इफ यू कैन आस्था कम फॉर अ 7-day प्रोग्राम फॉर द पंचकर्मा एंड देन we have a very beautiful medicine specially for this thing only, and you will be surprised when you will be given that and how simple thing it was and it is which can help you in it. To ye bhi theek ho jayega, don't worry, it is very much curable, very much curable. That is different. What happens in my presence is not a medical issue. What happens with me is not a medical scare. What happens with me is always healing. That is very curing thing. ये तो ऐसे हो गया, एक बैठो बैठो सिट, ये तो ऐसे हो गया। एक बार मैं किसी के घर में सत्संग कर रही थी, पुरानी बात है, तो 50-ek लोग, ज़्यादा महिलाएँ थीं। दोपहर में मैं सत्संग करती थी और वो आ जाते थे। तो एक दिन मैंने कहा अच्छा चलो आज ना आपको वाहेगुरु ध्यान कराते, ज़्यादा सिख परिवार थे तो मंत्र साधना तो वो थोड़ा एक अच्छा भी लगता है ना, शुरू से संस्कार भी होता है उस मंत्र का। तो मैंने कहा वाहेगुरु ध्यान कराते, तो हमने प्रोसेस सिखाई, विधि सिखाई और बैठाया। 1.5 घंटे करीब सब लोग बैठे और सब बहुत अच्छे से बैठे थे, बढ़िया से बैठे थे। अगले दिन वो महिला आई नहीं, क्या हो गया? दूसरे दिन नहीं आई, तीसरे दिन नहीं आई, चौथे दिन नहीं आई। फिर मैं ऐसे ही जनरल पूछा, मैं वो दिखी नहीं, क्या हुआ? उनकी जो सहेलियां आ रही थी कहते जी वो ना, हम तो आपको बताना चाह रहे थे, वो तो बस बड़े ही घबरा गई जिस दिन आपने बैठाया। मैं क्यों? कहते वो तो यहाँ से घर गई सीधे, तो उसका हस्बैंड था तो जाके उससे लिपट के रोई, मैं बड़ी मुश्किल बच के आई हूँ, आज तो मैं मरने वाली थी।
बोले क्या हुआ, कहाँ गई थी? तो उसने कहा ऐसे गई हो पता नहीं, ऐसे उन्होंने मेरे को बिठा दिया और मेरे तो लगा मेरा तो शरीर ही अलग हो गया, मेरे तो लगा मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो ऐसे लगा मैं उड़ रही हूँ, मुझे लगा मेरे तो प्राण गए, तो मैं तो बच के आई हूँ वापस बच के। ये अमृतसर की बात है। तो फिर उन्होंने जहाँ जाएं वो सबको मेरी तारीफ में ये कहते थे, वो तो हिप्नोटाइज कर देते उनके नहीं जाना, वो हिप्नोटाइज कर देते हैं, मन कंट्रोल कर लेते हैं, लोग पीछे पीछे भागते फिर उनके, मन कंट्रोल कर लेते हैं वो। मैं तो जिंदा बच के आई, उन्होंने अपने सारे रिश्तेदार मित्रों संबंधियों को उन्होंने ये बात बोली, तो हम तो अब हंस ही सकते हैं। अब क्या है, तो कई समय तक मेरे बारे में यही चलता रहा कि ये ना हिप्नोटाइज कर देते हैं। मैं अच्छा भाई ये तो क्या बात है, बड़ी तारीफ हो रही ना। अब वो तो निंदा कर रहे हैं पर मेरी तो तारीफ हो रही है, मुझे क्या दिक्कत उसमें, अच्छे से करो। अब कोई बोले आंसू बड़े आते हैं, एक ने बोले मुझे शरीर में, अब जैसे कल परसों यहाँ एक दो साधक थे तो उनकी गर्दन ऐसे गोल गोल घूम रही थी, बाकी की तो आंख बंद है, कई बार ना लोग देख के डर जाते हैं वैसे जहाँ थोड़ी पंजाबियों की संख्या ज़्यादा होती ना, वहाँ जब मैं गाती हूँ ना तो उसमें दो चार छः ऐसी जरूर औरतें आई होती जो सिर मारना शुरू करेंगी, जुड़ा जाएगा खुल बाल जाएंगे वो, तो इनके ना माता की चौकी आ जाती लोगों को, माता आ जाती किसी को, होते ना सिर घुमाते जय माता दी जय माता दी, और फिर लोग प्रश्न पूछते हैं हमारी शादी होगी नहीं होगी, बेटा मिलेगा नहीं मिलेगा, सास मरेगी कब, माता की चौकी आ जाती इनके सत्संग में। वो कई बार जैसे अब क्या है ना कि हिंदुओं का सत्संग है तो खाली हिंदू बैठे हैं, सिखों का चल रहा है तो सिख बैठे, सबका अलग अलग है। मैं जब जो जो भी मुझे प्यार करते वो धर्म का तो कोई लेना देना है नहीं उसमें, सब तरह के आते, तो जिन्होंने कभी देखा नहीं होता ना तो वो बड़े घबरा जाते। फिर मुझे एक आध शहर में तो ड्यूटी लगानी पड़ी महिलाओं में अपनी महिला शिष्यों की, कि एक तो ना जिसने जुड़ा किया हो ना उसके पास जरूर बैठ जाना, दूसरे जो हिलना शुरू करे ना तो बस पकड़ के तो उसको जोर से कहना कि यहाँ तो सिद्धि हो जा, नहीं तो मैं बार छोड़ के आऊँगी तेरे को, मैं जड़ी भी माता आई होनी ना सारी निकल जानी होती उससे वक्त, तो सिद्धि होके। और ये होता है, ये होता है। देखिए कभी कभी हमने, मैं कहती चल कोई नहीं खेल ही रहे बेचारों, खेलने का मौका है, रोटी पका कपड़े धो काम कर जे कर वो कर, बेचारी खेले कहाँ नाचे कहाँ, तो खेल रही खेलो प्लेग्राउंड, गुरुजी का प्लेग्राउंड खेलो नो प्रॉब्लम, पर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। अब कभी कभी ये खासियत हमारे उत्तर भारत में ज़्यादा है, मैं और पंजाब दिल्ली में और भी ज़्यादा है, ये भी मतलब खासियत है ये। मैंने शुरू किया भजन, तेरी याद में जब आंसू आंखों में, अब मैं भजन शुरू किया मैं बीच में छोड़ भी नहीं सकती। अब यहाँ हो ना हॉल तो हम कुछ कर लें, अब ओपन सेशन में 5-6 हज़ार 10 बैठे तो अब वो जो रो रही हैं अब उनको चुप भी कैसे कराएं, तो कभी कभी लगता है कि बड़ी निप्पल होनी चाहिए मुंह में ठूस हो इनके, छोटे बच्चा के लगाते ना चुप बेटा चुप, तो निप्पल लगा दो तो वो निप्पल चूसता रहता है। अब ये एडल्ट्स की निप्पल पता नहीं कहाँ बनती है, और वो अब वो क्या है, अब भाई प्यार आया है तो आने दो, चलो धीरे धीरे रो लो, वो इतनी जोर से रोती हैं। अब क्या है, घर में घर वाला डांटता है, सास डांटती, बच्चे पूछते नहीं, काम करती रहती, तो जब हम कहते ना, हम कह रहे प्रभु तेरी याद में जब आंसू, तो उनको घर के आंसू याद आ जाते, उन्हें लगता है गुरु जी हमारा दर्द कितना समझते हैं। तो कोई भी वैराग वाला भजन होए, कोई भी जिसमें कोमल स्वर लगने हो, तो मैं आजकल पिछले कुछ सालों से इंटेंशनली नहीं गाती हूँ कि चुप कराना मुश्किल हो जाता है, कि करो क्या भाई,
मन में दुख भरे रहते हैं। जैसे कपड़े में गंदगी लग जाए तो हम साबुन लगा के उसे साफ कर लेते हैं, ऐसे जब हमारे मन में नेगेटिव इमोशंस की गंदगी लग जाए तो उसको साफ करना भी तो आना चाहिए ना। अब औरतों का क्या है, वो या तो अंदर अंदर गम पीती रहेंगी या अपनी बहन या माँ या किसी सहेली से थोड़ा बहुत बात कर लेंगी, और जब वो उससे बात करती वो कहती अच्छा तेरा, अच्छा मेरी भी सुन, मेरे साथ ये हुआ। अब गम से गम बढ़ रहा है, दुख कहानी उसकी भी दुख की कहानी, तो दुख बढ़ा के कम हो गया और बढ़ जाता है। अच्छा पुरुष दुखी हो तो या तो वो दोस्तों से बात कर लेगा, अगर दोस्त से बात करके भी मन हल्का नहीं हुआ तो वो शराब पी लेगा। ये शराब पियो और गम गलत करो, भूल जाओ सब तकलीफों को, फ्रस्ट्रेशन है, बिजनेस है ना, बिल हैं, कर्जे हैं, लोन्स हैं, चुकाने हैं, और बीवी तो कहेगी ला पैसे दे, खर्चा दे, मैं बच्चों का खर्चा दे, फीस का खर्चा दे। अब वो उसके पास पैसे नहीं हैं कुछ, अब थोड़ा ईगो भी होता है ना, वो बताए कैसे कि मैं ट्रबल में हूँ, बोलते भी नहीं ना, ऐसी मुँह छीन के नाक में घुसती है, बोल के राजी नहीं। भाई तकलीफ है पत्नी को बताओ कि आजकल पैसा नहीं है, खर्चा थोड़ा टाइट रखो, कुछ खर्चा का सोचना मत, मेरे पास है नहीं। वो मांगे जाएंगे मांगे जाएंगे, बच्चों के लिए दो, मैं घर से लाई थी, मैं मायके से लाई थी, तेरे ही बच्चे, पैसे दे पैसे दे पैसे दे। शराब पिएगा और फिर किसी किसी स्थिति में आत्महत्या, पहले बीवी को मारेगा, बच्चों को मारेगा, फिर खुद को मार लेता है। अब ये कौन सी अच्छी बात हुई? तो हमारे नेगेटिव इमोशंस जब बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन से सुख शांति सब खत्म हो जाती। मंत्र की शक्ति हमारे राइट हेमिस्फीयर को जब प्रभावित करती है तो नेगेटिव इमोशंस आपके बिल्कुल नलीफाई हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। आप कहेंगे कि हमको हमको क्या मतलब, कोई तकलीफ ही नहीं। द्रौपदी की लाज राखी तुरंत बढ़ायो चीर, मीरा कहती तुमने द्रौपदी की लज्जा, पांच पांच पतियों के बावजूद उसका इतना अपमान हुआ, तो तुम्हारा एक पति तो एक पांडव भी नहीं है, वो क्या कर लेगा तुम्हारे लिए, उसके पांच थे, योद्धा वीर धनुर्धर कुशल ज्ञानी, फिर उसकी इतनी दुर्दशा, किसने बचाया? प्रभु तुमने बचाया। बूढ़ तो गजराज राखे, गजराज जब डूब रहे थे, ये सब भागवत की कथाएं हैं कि गजराज जब डूब रहे थे, मगरमच्छ खींच रहा था, तब उस समय किसने बचाया? प्रभु आपने बचाया, आपने देर नहीं करी। प्रहलाद कष्ट में आए तो किसने बचाया? प्रभु आपने बचाया, धीर नहीं धरा, आपने मार दिया उसको दुष्ट को जो सता रहा था आपके भक्त को। तो आप तो भक्त वत्सल हो प्रभु, और आप मेरे हो और मैं आपका हूं। हरि तुम हरो जन की पीर, हरो मने दूर करो, ले लो छीन लो मेरी पीर को प्रभु, मेरी पीड़ा को, मेरे दर्द को। तो जीवन में दुख आए, कष्ट आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कन्फ्यूजन आए, दुनिया से समाधान भाग मत मांगो, उनके पास नहीं है। अपने अंतर जाइए, मन को शांत करिए, मंत्र शक्ति का उपयोग करिए, आपके सारे समाधान आपको अंदर से मिल जाएंगे। This makes you self-sufficient. This gives you power. This gives you strength. तो कमजोर मन को बल जो है वो मंत्र देता है, साधना देती है। कबीर साहब हैं ये, कबीर साहब कह रहे हैं अमीरस भंवरा चाख लिया, अमीरस माने अमृत, भंवरा माने मैं, मेरा मन। ये भंवरा जो यहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ गुन 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 गुन, ये मेरा मन भंवरा जो जगत में भटकता था, इसने अमृत का रस चख लिया है। अब जाके घट में प्रेम प्रकाशा, सो विरहन क्यों बारू किया,
अभी वो क्यों बिरहनी बनेगा, वो क्यों दुखी होएगा, जिसके चित्त में मन में प्रकाश हो गया है। अंत न जाए अपना घट खोजे, सो बिरहन निज पाव किया। जिसने अपना अंतर खोज लिया वो क्यों भटके, क्योंकि पिया तो अंदर मिल गए। पाव पलक में तस्कर मारूं, पलक माने एक झटके में, जितने में एक पलक झपके ना, बोले इतने झटक में पांचों तस्कर काम क्रोध लोभ अहंकार को ना यूं पांव से मैं मार दूं एक पलक में, इतने जल्दी। सो सिंपल, गुरु अपने का साथ दिया, मेरे गुरु ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है, अब एक पलक में सब तस्करों को मार देता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जियते ये मन जीत लिया। क्या मतलब, इट इज अ जॉयफुल सेलिब्रेटिव विक्ट्री डांस, इट इज अ विक्ट्री डांस। अमीरस भंवरा चाख लिया, 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 अमीरस भंवरा भमरा चाख लिया, 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 भमरा चाख लिया। अमीरस भमरा चाख लिया, 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 अमीरस भमरा जाके घट में प्रेम प्रकाश। सो बिरहन क्यों बारू दिया, सो बिरहन क्यों बारू दिया, अमीरस भंवरा चाख लिया, अमीरस भंवरा चाख लिया, हे अमीरस भंवरा चाख लिया, चाख लिया, चाख
अंत न जाए अपना घट खोजे, अंत न जाए अपना घट खोजे। सो बिरहन निज पाव लिया, 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 पाव लिया, पाव लिया, पाव लिया, पाव लिया, पाव लिया। हमी रस बमरा चाक लिया, हमी रस बमरा चाक लिया, अमीरस भवरा चाक